धन, हमारी जान जो है ना, वो मोदी जी के लिए हम अर्पण करते हैं। लोगों में कितना उत्साह है, दिवाली से ज्यादा उत्साह है इस वक्त। तो नमस्कार जी, मैं चिराग आ चुका हूँ चांदनी चौक की गलियों में, दिखाने वही आए हम जो अयोध्या में चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। राम मंदिर का जोश, राम मंदिर की एक्साइटमेंट, लोगों में खुशी इतनी है कि यहाँ पे नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। और एक बार मैं एक सेकंड में आपसे एक सवाल लूंगा, कितनी खुशी है राम मंदिर की? कल्पना नहीं है, कोई बयान नहीं है कि क्या कह सकते हैं इसके लिए। राम जी आ रहे हैं, नारा लगाओ, कैसे लगा रहे? जय श्री राम। तो पहले तो ये बताओ, ये बैंड कहाँ से आया आपका और क्या नाम है आपका? ये मेरा लखन निर्माण, मेरा बैनर का नाम ही काफी है, और मेरी छठी पीडीएस लाइन से, और मेरे को दीपक अग्रवाल जी ने बुलाया था मोती बाजार चांदनी चौक से। आप ये शुरू हो गया है, आप में उत्साह जो अलग दिख रहा है, तो ये शादियों से अलग उत्साह है मेरे को लग रहा है। ये शादियों से बड़ा उत्सव है सर हमारे लिए, और 22 तारीख की इतना तेज हैवी डेट है हमारी वेडिंग सीजन की, लेकिन मैंने उस दिन वेडिंग नहीं ली, सिर्फ बरसाने जाएंगे मथुरा। जय श्री राम। एक सवाल लास्ट, फिर आप एंजॉय करना, हम भी आपके साथ, हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, कि ये जो राम मंदिर के उपलक्ष्य में आपने शुरू किया है, तो अभी आप एक भजन गा रहे थे जो राम को लाए, वो एक बार उसके साथ आप सुनाओ, पूरी हमारे दर्शक सारे लाइव देख रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल राम राम से प्ले करना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम, दिल्ली में फिर से हम भगवान रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो राम मंदिर की खुशी लोगों को हम दिखाई रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आपको आशा करता हूँ अच्छा भी लग रहा होगा और खुद में एक जोश आ रहा होगा। एक भाई साहब हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? प्रेम किशन। ठीक है, तो कैसा लग रहा है पहले तो, ये 22 तारीख जितनी नजदीक आ रही है उतना ही जोश आ रहा है? ये जो जोश है, जो हमारी कितनी ही पीढ़ियाँ निकल गई इस जोश को देखने के लिए, तो हमारा खुद नसीब है कि हम इस उत्सव को देख रहे हैं, मना रहे हैं। ये राम जी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं है, और हमारे 500 वर्षों से हमारे भगवान, हम तो आराम से रह रहे थे, सर्दी हो गर्मी हो, उनको तो एक बेचारों को टेंट मिला हुआ था, वो भी तो 5 मिनट के लगाने, आज फटाफट लगा दे। कितने ही सरकार आई, कितनी चली गई, कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी पीढ़ियाँ नष्ट हो गई, पता ही नहीं है। मुश्किल था 500 सालों का इंतजार। इंतजार तो है, ये तो सरकार जो है हमारे, हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनको हनुमान जी के रूप में उनको भेजा, तो उनका जीर्णोद्धार हुआ इस मंदिर का। नहीं तो सब सरकार कितनी आई, कांग्रेस आई, बोले हम बनाएंगे, उन्होंने सिर्फ एक आश्वासन दिया कि हाँ भी बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कब बनेगा, बोले ये प्रभु की इच्छा कब बनेगा। उन्होंने एक तारीख निश्चित कर दी, तय कर दी, हाँ भी 22 जनवरी को हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यानी कि अपना जो एक वायदा किया सरकार ने, पब्लिक से कॉल करा, वो उसने उस कॉल को निभाया। एक नंबर है, हम उनका अपने शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकते, इतनी अति खुशी है उसको व्याख्यान नहीं कर सकते। अच्छा, जो अब हमारे, आप कह रहे हैं जैसे पीढ़ियां निकल गई, लेकिन अभी हमारे आपके नीचे भी काफी पीढ़ियां हैं, तो उनको आप कैसे बताएंगे राम मंदिर के बारे में, इनका संघर्ष कैसे बताएंगे? तो यहाँ नहीं, हमारे हिंदुस्तान से बाहर भी 22-23 कंट्रियाँ हैं जो इस 22 तारीख का उत्सव बड़े अपने धूमधाम से मनाएंगे। ये तो हिंदुस्तान है हमारा, पुरखों का, बड़ों का आशीर्वाद है। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है केवल। राम मंदिर का जो श्रेय है, वो हमारा तन मन धन, हमारी जान जो है ना, वो मोदी जी के लिए हम अर्पण कर सकते हैं। जो भी कुछ है वो मोदी जी हैं, मोदी से बड़ा राम मोदी जी के। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा आपने जो 11 दिन तक व्रत पे रहो, दूध के ऊपर रहो, कोई देखा प्रधानमंत्री ऐसा? हमारा कोई हिंदुस्तान के सनातन संस्कृति का कोई धर्म का मंदिर मोदी जी ने नहीं छोड़ा। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो न्योते लेकर भी नहीं जा रहे, कुछ बिना न्योते के आने को तैयार होते, भरी पड़ी है इस समय भक्तों से, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो कर्महीन है, वो भाग्यहीन है,
जो राम जी के निमंत्रण पर भी नहीं जा रहे, उनके भाग्य कर्म उनके खराब हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, उनका नाम और निशान खत्म हो जाएगा, वो राक्षस हैं। मेरी जो मैसेज है सिर्फ यही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा सबको, जो 22 तारीख आ रही है, हमारे जो दादा परदादा हमारे पापा नहीं रहे, जो आज की पीढ़ी है, सिर्फ इसका एंजॉय करें, सिर्फ एक ही राम एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और भारत रिपोर्ट देखते रहे, ये सब देखने को यही मिलेगा एक्सक्लूसिवली, कोई इतनी गलियों तक नहीं आएगा दिखाने, तो एक्सक्लूसिव चीज आपको यही मिलेगी। मेरे साथ मैं भी लगाई देता हूँ नारा, जय श्री राम। जो राम जी इतनी प्रतीक्षा के बाद हमारे यहाँ आ रहे हैं अयोध्या में, उसका दिल खोल के स्वागत और पूरे आनंद और उमंग के साथ नाच करते हुए सबको इसकी बधाई, और खूब नाचो गाओ, पूरी मस्त पूरा राम राज्य होना चाहिए भारतवर्ष के अंदर। लखन भाई आपको अंत करना पड़ेगा। तो कहीं ढोल नगाड़े और कहीं हवन, चांदनी चौक बनी हुई है अयोध्या नगरी, और वैसी ही खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एमएल बंसल है। क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है राम मंदिर की खुशी में? यहाँ पर उत्साह देख रहे हो लोगों में, कितना उत्साह है, दिवाली से ज़्यादा उत्साह है इस वक्त, क्योंकि 500 साल के बाद लोगों को ये खुशी मिली है, और इसके लिए लोग जो है उतावले थे, आज वो दिवाली की तरह इसे मान रहे हैं, या यूं कह दो कि दिवाली से भी बढ़ के समझ रहे हैं। और ये पूरा कोई ये नहीं है कि इतना ही टुकड़ा है, पूरा हिंदुस्तान भगवा रंगा हुआ है इस वक्त, और लोगों को इतनी खुशी है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के सब इसी में ही लगे हुए हैं। अच्छा, और मेरा ख्याल में सबको लग जाना चाहिए, तो सबको मतलब राम में राम के रंग में रंग जाना चाहिए, रंग जाना चाहिए, राम राज्य फिर आ जाना चाहिए, ये लूट कसूट बेईमानी हेरा फेरी ये सब खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और वो काम मोदी योगी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मतलब आपका कहने का अब ये मैं समझूं कि अब साल में दो दिवालियां मनाई जाएंगी? दो दिवालियां ही मनेंगी, मनाई जाएंगी नहीं, दोनों ही मनेंगी। हाँ। और मननी भी चाहिए। 22 तारीख अभी परसों है, लेकिन आज से इतना उत्साह है, तो 22 तारीख को क्या होगा आप मेरे को बता सकते हैं? यहाँ पर जितना उत्साह आज आप देख रहे हो, यही आप 22 तारीख को आओगे यहाँ देखने को मिलेगा। ये राम मंदिर की खुशी में ये पूरी मार्केट इस वक्त भगवा रंगी हुई है, आप भी देख लो, और ये लोगों को भी दिखाओ कि 22 तारीख को ऐसे ही रहना चाहिए। थोड़ा आप मेरे साथ आ जाओ पहले, तो है ना, अब आप चलते रहो। और ये 22 तारीख तक ये सजावट है यहाँ पूरी, अब जनवरी ही यहाँ हर टाइम ऐसे ही रहेगा अब राम में। अब तो लोगों ने तिरंगा भी नहीं लगाया ज्यादा, राम का नाम लिया है सबसे ज्यादा, तो हाँ इस वक्त ऐसी खुशी है। जनवरी पर लगेंगे तिरंगे भी, वो भी लगने, जनवरी को हम पूरी ऐसे ही करेंगे, बट इस वक्त लोगों में जो है आज की तारीख में आप देखो भगवा ही है पूरे बाजार में। ये अपने मन से सजा रहे हैं सारे, या कोई ने फोर्स नहीं कर रहा है ना, कोई कुछ नहीं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही। चलो आओ, हम चलते रहते साथ साथ धीरे धीरे, इतने खुशी के हैं तो हम जाहिर ही नहीं कर सकते। अच्छा, इतना हम लोग उत्साह है, शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं हमारे पास वैसा, से हम उनको कैसे कैसे भैया, ये तो हमारे इतना सौभाग्य है जो आज ये राम राज देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं सुबह से चांदनी चौक कवर करूं, मैं कोई दुकान में बोला हम अपनी दुकानदारी भूल के राम राम कर रहे हैं, पीढ़ियां खत्म हो गई इस इंतजार में जिनको राम मंदिर के दर्शन नहीं हुए। हम तो बहुत जो है भाग्यवान है जो हमें ये मौका मिलेगा कि हम राम दर्शन करेंगे। आप बताओ, आप ऑनर है दुकान के, मैं पीछे एक दुकान वाले से बात करा, उन्होंने कहा हम दुकानदारी भूल के राम के रंग में रंग चुके इस समय। रंगे सर, बिल्कुल रंगे हैं, बिल्कुल रंगे हैं, काम छोड़ कर रंगे हैं, अब हर टाइम रंग रहेगा, साल का ही ये 22 तारीख हर साल की है, हर साल, हर साल होगा ये, हम हर साल आए यहाँ पर देखने, हर साल आपको आना पड़ेगा। तो हमने आपको आज अपनी पूरी वीडियो में चांदनी चौक की धूम दिखाई, और कुछ ना कुछ आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस समय अयोध्या में इससे भी ज्यादा और कहीं बढ़कर धूम होगी, जो इस समय चांदनी चौक में धूम मची हुई है। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वरन भी बज रहे हैं वैसे तो, लेकिन इनको इग्नोर करके कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं हवन हो रहे हैं पीछे, और लोग इतने उत्साहित हैं कि आज से ही शुरू हो गया है सब, और 22 तारीख को क्या ही होगा वो आप जाने। और मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। मैं चिराग, कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह जी के साथ, धन्यवाद।